खबर मेरठ से आ रही है, जहां पर AIMIM यानी कि ओवैसी के पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। पार्षद AIMIM के जो पार्षद हैं उनकी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पिटाई भी कर दी है, इसका वीडियो भी सामने आया है। लेकिन किस बात को लेकर ये झड़प हुई, किस बात को लेकर ये पिटाई हुई है, ये भी जानना यहाँ पर जरूरी है। लेकिन फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा वाक्या पेश आया। ये घटना हुई है मेरठ में, उत्तर प्रदेश का शहर मेरठ, जहां पर ये पिटाई, धक्का मुक्की और मारपीट की तस्वीरें आपके सामने हैं। और लेकिन इन सब के बीच वजह भी जानिए, दरअसल ये पूरा विवाद वंदे मातरम को लेकर हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि वंदे मातरम को लेकर अक्सर समाज का एक धड़ा इसका विरोध करता रहता है और कई बार इसके सम्मान में न खड़े होने का फैसला लेता है। कुछ ऐसा ही यहां पर भी देखने को मिला है, जहां पर विवाद इतना बढ़ गया जिसके बाद में बात जो है वो मार पिटाई तक पहुंच गई। पूरी बात भी बताएंगे आपको इन तस्वीरों के साथ, ये भी समझिए। दरअसल मेरठ जिले में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में मेयर सहित निगम और नगर पंचायत का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। शपथ ग्रहण समारोह वंदे मातरम से शुरू किया गया, लेकिन समस्या तब खड़ी हो गई जब AIMIM यानी कि ओवैसी के पार्टी के सदस्यों ने इसका विरोध कर दिया, जिसके बाद बीजेपी के लोगों ने उन्हें खड़े होने को कहा। बस यहीं से सारा विवाद खड़ा हुआ और बात मारपीट तक जा पहुंची। मंच पर इस वक्त मेरठ के जो कमिश्नर जे सेल्वा कुमारी मेयर और पार्षद को शपथ दिलाने के लिए पहुंची थी और मंच पर बैठी थी, लेकिन कहना क्या था AIMIM के सदस्यों का वो भी यहां पर जानिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान तो गा लेंगे, भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोल लेंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। तो इस तरह की खबरें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से निकलकर सामने आ रही हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये प्रोग्राम बीजेपी का नहीं है, ये मेयर और पार्षदों का है और जितनी भी बीजेपी की गुंडागर्दी हुई है वो सब जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हुई है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे ये लोग क्या करेंगे, तो ये बात भी कही गई। लेकिन जो विवाद की असली वजह ये थी, जिसमें ये कहा गया कि राष्ट्रगान तो गा लेंगे, भारत जिंदाबाद भी बोल लेंगे, लेकिन वंदे मातरम जो है वो नहीं गाएंगे। और खड़े होने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर बुरी तरीके से AIMIM के पार्षदों को पीटा गया है। तो कुल मिलाकर इस विवाद को आप किस तरीके से देखते हैं कि वंदे मातरम पर ना खड़ा होना कहां तक जायज है, इसे लेकर इस पूरे विवाद पर आपकी जो राय हो वो जरूर लिखें। धन्यवाद। VK News, राष्ट्र के नाम।